हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। जैसा कि आपको पता है, जेएसएससी जेई का आपका एग्ज़ाम आने वाले दिनों में होने वाला है। उसमें आपके कंप्यूटर से भी संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हमने कंप्यूटर के कुछ बेसिक लेवल के क्वेश्चन के साथ साथ आपके जेएसएससी के विभिन्न एग्ज़ाम में भी जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इस वीडियो में हमने शामिल किए हैं। इस वीडियो में हम लगभग 25+ क्वेश्चन कवर करेंगे, तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिएगा। और इसके साथ साथ अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? हमने कोई ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन इस वीडियो में शामिल नहीं किए हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके बिल्कुल बेसिक लेवल के ही हैं। तो कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया है? ये किया है डगलस एंजल बर्ट ने। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंप्यूटर प्रणाली का नियंत्रक केंद्र किसे माना जाता है? ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। कंप्यूटर सिस्टम का कंट्रोल केंद्र माना जाता है सीपीयू। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? ऑप्शन आपको दिए हैं प्रोसेसर चिप, प्रिंटर, माउस या फिर जावा। सबसे पहले हम बात करेंगे आपका जो प्रोसेसर चिप होता है, प्रिंटर होता है और माउस होता है, ये आपके हार्डवेयर हैं। और जबकि जो जावा है ये है आपका सॉफ्टवेयर। तो क्वेश्चन के हिसाब से आपका राइट आंसर होगा डी, जावा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस है? ऑप्शंस आपको दिए हैं प्रिंटर, स्पीकर, मॉनिटर या फिर स्कैनर। आपका जो स्कैनर होता है ये है इनपुट डिवाइस। अगर हम बात करें आउटपुट डिवाइस की तो प्रिंटर, स्पीकर और ये मॉनिटर जो हैं ये आउटपुट डिवाइस के एग्जाम्पल हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, वाईफाई का पूरा नाम क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी भी ब्राउजर या वेबसाइट का जो पहला या मुख्य पेज होता है उसे क्या कहते हैं? तो आप जब भी कोई वेबसाइट ओपन करते हैं जो उसका मुख्य पेज होता है, तो सबसे पहले लिख के वहाँ पर क्या आता है? वहाँ पे लिख के आता है होम पेज। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, कंप्यूटर नेटवर्क में लेन का पूरा नाम क्या होता है? लिमिटेड एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, लॉजिक एरिया नेटवर्क या फिर लैंड एरिया नेटवर्क। तो कंप्यूटर नेटवर्क में लेन का पूरा नाम होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, इंटरनेट पर डेटा ट्रांसमिशन को कंट्रोल करने के लिए नियमों और प्रक्रियाओं का सेट जो होता है वो क्या कहलाता है? तो इंटरनेट पर डेटा ट्रांसमिशन को कंट्रोल करने के लिए नियमों और प्रक्रियाओं का जो सेट होता है उसे कहते हैं प्रोटोकॉल। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, कंप्यूटर में बग एक तरह का क्या होता है? बग जो है एक सॉफ्टवेयर होता है या हार्डवेयर होता है, वायरस होता है या फिर एक एरर होता है। कंप्यूटर में जो बग होता है वो एक तरह का एरर होता है। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, कंप्यूटर कैसे सिग्नलों के रूप में डाटा भेजता एवं प्राप्त करता है? तो कंप्यूटर जो होता है वो डिजिटल सिग्नलों के रूप में डाटा को सेंड करता है और रिसीव करता है। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, मॉनिटर की जो डिस्प्ले होती है उसके आकार को हम कैसे मापते हैं? वर्टिकली मापते हैं या हॉरिजॉन्टली मापते हैं या फिर डायगोनली मापते हैं या इनमें से कोई नहीं? तो मॉनिटर की जो डिस्प्ले होती है उसे ना तो हॉरिजॉन्टल मापा जाता है और ना तो वर्टिकल, उसे डायगनली मापते हैं ऐसे जितने भी इंच की आपकी डिस्प्ले होगी।
क्वेश्चन नंबर 12 है, कंप्यूटर में यूज होने वाली जावा भाषा को किस कंपनी ने बनाया है? तो कंप्यूटर में जो यूज होने वाली जावा लैंग्वेज है उसे बनाया है ओरेकल ने। ऑप्शन डी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया? आपको कुछ संस्था के नाम दिए गए हैं, सिडेक ने किया, आईआईटी कानपुर ने किया, बार्क ने किया या फिर आईआईटी रुड़की ने किया। तो भारत में विकसित जो है परम सुपर कंप्यूटर, इसका विकास किया सिडेक ने। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। इस टाइप के क्वेश्चन जो अभी हैं वो आपके एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WWW के आविष्कारक कौन हैं? ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। इनके आविष्कारक हैं टिम बर्नर्स-ली। क्वेश्चन नंबर 15 है, ईमेल के जन्मदाता कौन हैं? तो ईमेल के जन्मदाता हैं रे टॉमलिंसन। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? इसका आंसर तो आप सबको पता है, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? कंप्यूटर की जो भौतिक बनावट होती है उसे क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं, कंपाइलर कहते हैं या फिर गेटवे कहते हैं। तो कंप्यूटर की जो भौतिक बनावट होती है उसे कहते हैं हार्डवेयर। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, कौन सा कंप्यूटर का स्थायी मेमोरी कहलाता है? ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, रैम को कहते हैं, रोम को कहते हैं, सीपीयू को या फिर सीडी को। तो कंप्यूटर की जो परमानेंट मेमोरी होती है वो होती है रोम, रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, आईसी चिपों का निर्माण किससे किया जाता है? फाइबर से, कार्बन से, एल्यूमिनियम से या फिर सेमीकंडक्टर से। तो जो भी आईसी चिप यूज होती हैं उन्हें बनाया जाता है सेमीकंडक्टर से। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? बेसिक, कोबोल, फोर्ट्रान या फिर पास्कल। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। पहली कंप्यूटर भाषा जो है वो फोर्ट्रान विकसित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 21 है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या प्रयोग किया गया था? तो जो पहली जनरेशन के कंप्यूटर थे उसमें यूज किया था गया था वैक्यूम ट्यूब का। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ है? तो भारत का पहला कंप्यूटरीकृत डाकघर जो है वो है नई दिल्ली में। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? ऑप्शंस आपको दिए हैं सिद्धार्थ, परम, सुपर या फिर मेघा। तो भारत में बना सबसे पहला कंप्यूटर है सिद्धार्थ। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, भारत में सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? तो भारत में सिलिकॉन वैली कहा जाता है बेंगलुरु को। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। तो आज के इस वीडियो में हमने झारखंड जेई के लिए कंप्यूटर के MCQs का सेट 1 कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और इसके साथ साथ अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें।